हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेरियस टाइप्स के डायरेक्शनल कपलर की और उनके लिए हमने स्कैटरिंग मैट्रिक्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेव गाइड और माइक्रोवेव अटेन्यूएटर्स के। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब हम वेव गाइड को कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ पर ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो वेवगाइड होता है वो एक्साइट हो जाता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो एक बिल्कुल अलग बिहेवियर होता है जब हम उसी वेवगाइड को कट ऑफ वेवलेंथ से कम की वेवलेंथ पर ऑप्टेन करते हैं। सो व्हेन अ वेवगाइड इज एक्साइटेड एट अ वेवलेंथ ग्रेटर देन कट ऑफ देन बिहेवियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ बिहेवियर एट वेवलेंथ लेस देन कट ऑफ। सो जनरली हम यहाँ यह कह रहे हैं कि जब हम वेवगाइड में कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ को ऑपरेट करते हैं उस केस में वेवगाइड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स में एक्सपोनेंशियली डिके हमें देखने को मिलता है और ये डिके हमें मिलता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इस वजह से वेवगाइड की वॉल्स में एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से हैपन होते हैं। सो ये जो एनर्जी लॉसेस होते हैं ये कब होते हैं कि जब हमने वेवगाइड में कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ पर हमने उसे ऑपरेट किया है। मेनली ये जो अटेन्यूएशन की रेट होती है यह डिपेंड करती है दोनों वेवलेंथ्स के रेशियो पे। इट मींस द रेट ऑफ अटेन्यूएशन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स फ्री स्पेस वेवलेंथ टू द कट ऑफ वेवलेंथ मींस लैम्डा अपॉन लैम्डा सी, दैट इज जस्ट फॉर द फ्री स्पेस वेवलेंथ टू द कट ऑफ वेवलेंथ। बट हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये जो कट ऑफ वेवलेंथ की वजह से जो हम अटेन्यूएशन देख रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द गाइड वॉल्स। अब अगर हमें यहाँ इन कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ में वेवगाइड को ऑपरेट करने पर जो एग्जैक्ट अटेन्यूएशन हो रहे हैं अगर हमें उनके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ने जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड के लिए फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था उनको अप्लाई करते हुए हम एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम अटेन्यूएशन के लिए डिराइव कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दैट फिनोमेना अटेन्यूएशन इन डीबी पर यूनिट लेंथ इज कैलकुलेटेड एज अल्फा इज इक्वल्स टू द 54.6 डिवाइडेड बाय लैम्डा सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले के द्वारा हम जब वेवगाइड में कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ को ऑपरेट कर रहे हैं उस केस में हम अटेन्यूएशन पैरामीटर को इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग द केस व्हेन द एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा इज मच मच ग्रेटर देन द कट ऑफ वेवलेंथ उस केस में अल्फा मींस अटेन्यूएशन पैरामीटर की वैल्यू दी जाएगी 54.6 अपॉन लैम्डा सी से, जहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा जो है दैट इज द फ्री स्पेस वेवलेंथ, लैम्डा सी इज द कट ऑफ वेवलेंथ। सो अब क्योंकि हमने यहाँ पे इस केस में बात की है कि जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा सी से ज़्यादा होगी उस केस में सिग्नल में क्या होते हैं लॉसेस होते हैं मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हमें एक्सपोनेंशियली डिके देखने को मिल रहा है। सो उस केस में कि जब हम वेवगाइड को कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा की वेवलेंथ पर ऑपरेट करते हैं तो उन्हें हम वेवगाइड अटेन्यूएटर्स कहते हैं। वेवगाइड अटेन्यूएटर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिग्नल वेवगाइड में से प्रपोगेट हो रहा है उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड में हमें डिके देखने को मिलता है। सो वो जो सिग्नल होता है वो अटेन्यूएट हो जाता है। सो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेवगाइड अटेन्यूएटर और इनको हम सिग्नल जनरेटर में एज अटेन्यूएटर की फॉर्म में यूज में लिया जाता है।
इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द टिपिकल वेव गाइड एटेन्यूएटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक वेव गाइड एटेन्यूएटर के डायग्राम को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम वेव गाइड में एक्साइटिंग प्रोसेस को देख रहे हैं, और विच मे बी आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वेव गाइड हो सकता है, जिसमें हमें यहाँ पे दो कॉइल्स देखने को मिल रही है। दिस इज द कॉइल नंबर वन रिप्रेजेंटेड बाय L1 एंड दिस इज द कॉइल नंबर टू। तो यहाँ पे हमारे पास में दो कॉइल्स हैं, और ये दोनों कॉइल्स आप देख सकते हैं, इन दोनों कॉइल्स का जो एक्सिस है वो वेव गाइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इनमें से हमने एक कॉइल को नाम दिया है एक्साइटिंग कॉइल, और दूसरी कॉइल को नाम दिया गया है पिकअप कॉइल। ठीक है, ये जो पिकअप सिस्टम है इसके पास में एक सिमिलर कॉइल होती है विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द एक्साइटिंग कॉइल। इन दोनों यानी कि एक्साइटिंग कॉइल और पिकअप कॉइल दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है। और इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए अगर हमें रेक्टेंगुलर केस की बात करनी है तो उस केस में हम TE10 मोड को कंसीडर करेंगे, और जब हमें बात करनी हो सर्कुलर वेव गाइड की तो उस केस में हम TE11 मोड की बात करते हैं। अब इस टाइप के एटेन्यूएटर के आउटपुट को हम वेरी कर सकते हैं, और वो आउटपुट हम कैसे वेरी कर सकते हैं, जस्ट बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पिकअप कॉइल एंड द एक्साइटिंग कॉइल। तो आपने यहाँ पे देखा है ये हमारा एक जनरल वेव गाइड है, एक सर्कुलर वेव गाइड है, और इस सर्कुलर वेव गाइड में हमने दो कॉइल्स को इंसर्ट किया है, और इन दोनों कॉइल्स के एक्सिस वेव गाइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और बट ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस में प्लेस्ड है, और यहाँ पे जब हम इनपुट सिग्नल इस कॉइल से फ्लो करते हैं तो आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिलता है वो अटेन्यूएटर मिलता है, और जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है उसके अटेन्यूएशन फैक्टर को हम वेरी कर सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स नेम्ड एज पिकअप कॉइल एंड एक्साइटिंग कॉइल। सो इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोवेव अटेन्यूएटर्स की। सो माइक्रोवेव अटेन्यूएटर्स आर पैसिव डिवाइसेस जिनको हम क्या करते हैं, एक सिग्नल के पावर लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम यूज में लेते हैं। सो माइक्रोवेव अटेन्यूएटर्स आर पैसिव डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड और यूज्ड टू रिड्यूस द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल। कभी कभी क्या होता है कि वेवगाइड में हम कुछ परफेक्टली मैचिंग लोड भी लगा देते हैं, और उन परफेक्टली मैचिंग लोड से क्या होता है कि जो हमारी इनकमिंग वेव आती है वो उस लोड के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है, मीन्स कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक अटेन्यूएटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। So an attenuator must have the following characteristics as it should have less VSWR at the required frequency, कि जिस frequency पर हम उस waveguide को operate कर रहे हैं उस frequency पर उसका जो VSWR है voltage standing wave ratio है उसकी value कम होनी चाहिए, साथ ही frequency response constant होना चाहिए, और broadband की accuracy हमें मिलनी चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं अटेन्यूएटर के एज अ पॉट और पैसिव डिवाइस की, सो उस केस में हम यह कहते हैं कि अटेन्यूएटर इज अ टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क, और जब हमें अगर ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क के लिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स को बताना होगा तो हम उसको लिखते हैं एस, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द S11, S12, S210। अब क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स पर कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं है, उस केस में S11 और S22 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और सिंप्लीफाइड स्कैटरिंग मैट्रिक्स अटेन्यूएटर के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, S12, S21 और 0 से। तो इस प्रकार से जब हम मेजरमेंट के द्वारा इन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके द्वारा हम यहाँ पे अटेन्यूएशन पैरामीटर अल्फा के अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने बात की थी कि माइक्रोवेव या वेवगाइड अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं, ये क्यों काम में लिए जाते हैं, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं।
आगे हम बात कर रहे हैं कि अटेन्यूएटर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द अटेन्यूएटर्स लाइक फिक्स्ड अटेन्यूएटर एंड वेरिएबल अटेन्यूएटर। हम वन बाय वन दोनों टाइप के अटेन्यूएटर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड अटेन्यूएटर। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, हमने अटेन्यूएटर्स के आगे एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट इज द फिक्स्ड, मीन्स फिक्स्ड अटेन्यूएटर कि ऐसे अटेन्यूएटर जिनके द्वारा हमें डिजायर्ड फिक्स्ड अमाउंट का अटेन्यूएशन मिलता हो, दे आर टर्म्ड एज फिक्स्ड अटेन्यूएटर्स। सो फिक्स्ड अटेन्यूएशंस आर यूज्ड वेयर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अटेन्यूएशन इज डिजायर्ड। अब देखिए इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है फिक्स्ड अटेन्यूएटर का, इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेवगाइड के एंड पर हम एक लॉसी डाई इलेक्ट्रिक वेन को फिट कर देते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टिव टर्मिनेशन। और उस केस में क्या होता है कि ये जो हम टैपरिंग करते हैं ये ग्रेजुअली जो होती है अपने शार्प एंड के साथ में इनकमिंग वेव के रिस्पेक्ट में, हम इसको ग्रेजुअली शार्प एंड के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। देखिए हम इसको एक डायग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है दियर। दिस फिगर इज शोइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द फिक्स्ड अटेन्यूएटर। और जिसमें हमने क्या कहा है कि हम क्या करते हैं कि इस वेवगाइड में हम एक डाई इलेक्ट्रिक लॉसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फिट कर देते हैं और ये हम उस मटेरियल की फिटिंग कहाँ करते हैं, वेवगाइड के एंड पर। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक वेवगाइड था और इस वेवगाइड के एंड पर हमने क्या करा है, एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक को फिट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो टैपरिंग हो रही है इट इज ग्रेजुअली विद द शार्प एंड पॉइंटेड एट द इनकमिंग वेव। तो हमने यहाँ पे देखो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की शेप कैसी है, साइड से ये धीरे धीरे पॉइंटेड है। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक पॉइंटेड शेप है। तो इस प्रकार से हम करते हैं ताकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो। और ये जो हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक वैन लगाते हैं ये यूजुअली हम कहाँ लगाते हैं, वेवगाइड की कंप्लीट विड्थ के डायरेक्शन में लगाते हैं या फिर हम वेवगाइड के सेंटर में हम इनको प्लेस करते हैं। सो इस प्रकार से ये जो हमारा ओवरऑल लॉसी डाइलेक्ट्रिक वैन होता है इसकी लेंथ होती है अबाउट 2 λg के इक्वल। अब देखिए हमने क्या करा है, इस लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से इसके इतने से पार्ट को टैपर्ड कर दिया है। अब जो ये टैपर्ड पार्ट है उस टैपर्ड पार्ट की लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ होती है λg/2। तो आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा लॉसी डाइलेक्ट्रिक वेन है उसकी कंप्लीट लेंथ 2 λg के इक्वल है बट जो उसका टैपर्ड सेक्शन है उसकी लेंथ है λg/2 और रिमेनिंग पार्ट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, λg/2। तो जनरली हम ये कहते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉसी डाइलेक्ट्रिक वेन्स होती है ये किस मटेरियल की बनी होती है, ये यूजुअली ग्लास की बनी होती है विद द कार्बन फिल्टर्स या फिर एक्वाडेक्स कोटिंग इनके बाहर की तरफ की जाती है। तो इस प्रकार से आप इस फिगर में देख सकते हैं देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फिक्स्ड अटेन्यूएटर्स। इसमें ए फिगर जो है, दिस फिगर ए इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल टैपर। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसके एक पार्ट को सिंगली टैप कर दिया है। सेकेंड इज द डबल टैपर, हमने क्या करा इसके इस पार्ट को यहाँ से काट दिया और इस पार्ट को काट दिया, सो दैट इज नोन एज द डबल टैपर। फिर हम कह रहे हैं दैट इज द स्टैप्ड लोड। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फिक्स्ड अटेन्यूएटर। अब आगे मैं बात कर रही हूँ सेकेंड टाइप के अटेन्यूएटर्स की एंड दोज आर द वेरिएबल अटेन्यूएटर्स। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है हमने अटेन्यूएटर्स के आगे क्या टर्म इंट्रोड्यूस की है, वेरिएबल अटेन्यूएटर। अब मींस हम यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज में लेंगे कि जब हम उसकी पोजीशन में या उसको मूव करेंगे तो उस केस में हमें जो वेवगाइड से सिग्नल मिल रहा है उसके अटेन्यूएशन को हम वेरी कर सकते हैं। इट मींस ऐसे अटेन्यूएटर जिनके द्वारा हम वेरिएबल अटेन्यूएशन को वेवगाइड में जनरेट कर सके। सो वेरिएबल अटेन्यूएटर्स इन वेवगाइड यूज मूवेबल वैन और मूवेबल फ्लैप। मींस वेरिएबल अटेन्यूएटर्स में हम वेवगाइड के अंदर एक वैन यूज में लेते हैं। देखिए आपने यहाँ देखा था जब हम फिक्स्ड अटेन्यूएटर की बात कर रहे थे तो ये वेन हमारी फिक्स थी, हमने फिक्स्ड लॉसी डाइलेक्ट्रिक वेन लगाई थी। बट जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल अटेन्यूएटर्स की तो उस केस में हम जो वैन लगाते हैं वो कैसी होती है, मूवेबल होती है।
तो यहाँ पे हमारे पास में मूवेबल वैन या फिर मूवेबल फ्लैप होती है। और साथ ही अगर हम सर्कुलर वेवगाइड की बात करते हैं तो उस केस में हम रोटरी टाइप के वेन्स को यूज में लेते हैं। ये जो वेन होती है ये मूवेबल होती है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल अटेन्यूएटर। अब देखिए, अब क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल अटेन्यूएटर की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी वेन होती है उनके दोनों एंड्स को हम टैपर कर देते हैं और ये वेन्स मोस्टली वेवगाइड के सेंटर में रखी जाती है रादर देन एट द एंड ऑफ द वेवगाइड। जब हमने फिक्स्ड अटेन्यूएटर की बात की थी तो हमने देखा था कि हम उन लॉसी डाइइलेक्ट्रिक वैन्स को वेवगाइड के एंड्स पर प्लेस कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये हमने वेवगाइड के एंड्स पर प्लेस किया है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल अटेन्यूएटर्स की तो उस केस में हम उन वैन को वेवगाइड के सेंटर में प्लेस करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम उन वेन्स को वेवगाइड के सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो उस केस में हमें एक मैक्सिमम अटेन्यूएशन मिलता है और ये जो अटेन्यूएशन होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो चुका होता है। अब जो हम अब इसको फिगर के द्वारा देख सकते हैं, हम इस फिगर में हमने एक मूवेबल वैन अटेन्यूएटर मीन्स वेरिएबल अटेन्यूएटर को शो किया है। देखिए दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द मूवेबल वैन अटेन्यूएटर जिसमें हमारे पास में ये दो मूवेबल वैन्स हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी माउंटिंग रॉड्स हैं अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते हैं और साथ ही इन दोनों मूवेबल वैन्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा जी बाय टू के इक्वल होता है तो उस केस में जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवेबल वैन अटेन्यूएटर। अब मैं आगे बात कर रही हूँ एक फ्लैप अटेन्यूएटर की। देखिए फ्लैप अटेन्यूएटर जो होता है इसमें एक रेजिस्टिव एलिमेंट या हम डिस्क को यूज में लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब हमने बात की थी फिक्स्ड अटेन्यूएटर की तो हमने लॉसी डाइइलेक्ट्रिक वेन्स यूज में ली थी और उनको हमने उस वेवगाइड की एंड्स पर प्लेस किया था। और जब हम बात कर रहे थे वेरिएबल अटेन्यूएटर की तो उस केस में हमने कुछ मूवेबल रॉड्स या मूवेबल हमने मूवेबल वैन्स यूज में ली थी। बट जब हम बात करते हैं फ्लैप अटेन्यूएटर की तो फ्लैप अटेन्यूएटर में क्या होता है, हम मूविंग वैन की बजाय हम एक रेजिस्टिव एलिमेंट या डिस्क लेते हैं। इस केस में क्या करते हैं कि हम उस रेजिस्टिव एलिमेंट को हमारी एक हिंज्ड आर्म पर माउंट कर देते हैं एंड इट इज अलाउड टू डिस्टेंस इनटू द सेंटर ऑफ द वेवगाइड थ्रू अ सुटेबल स्लॉट। देखिए आप इसको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्लैप टाइप ऑफ अटेन्यूएटर जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जो कि इस फॉर्मेट में है डिस्क की फॉर्मेट में रादर देन अ मूविंग वैन। तो इसको हम क्या करते हैं, एक आर्म हमारी ये वेवगाइड के आर्म पर हमने इसको माउंट कर दिया है और साथ ही हमने इसको कहाँ रखा है, वेवगाइड के सेंटर पे हमने इसको रखा है। अब ये जो हमारा फ्लैप होता है हम इसको कितना हम डेप्थ में इंसर्ट करते हैं वो फैक्टर डिफाइन करता है कि हमें इस केस में कितना अटेन्यूएशन हमें यहाँ अचीव होगा। सो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डाइइलेक्ट्रिक है उसको अलग अलग शेप में ले सकते हैं, साथ ही अटेन्यूएशन को हम यहाँ वेरी कर सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग द डेप्थ ऑफ द इंसर्शन। सो यहाँ पे अगर हमें अटेन्यूएशन के अमाउंट की बात करनी होगी तो हम ये कहेंगे कि ये जो अटेन्यूएशन होता है फ्लैप अटेन्यूएटर के लिए वो फ्रिक्वेंसी रेजिस्टिव होता है और इसको हम एक स्टैंडर्ड अटेन्यूएटर के रिस्पेक्ट में कैलिब्रेट कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम एक स्टैंडर्ड डेटा की बात करते हैं तो फ्लैप अटेन्यूएटर से हम अराउंड 90 डीबी के अटेन्यूएशन को अचीव कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं प्रिसीशन टाइप वेरिएबल अटेन्यूएटर की। अभी हमने बात की थी फ्लैप अटेन्यूएटर की, अब आगे हम बात कर रहे हैं प्रिसीशन टाइप वेरिएबल अटेन्यूएटर की जिसमें हम एक रोटरी अटेन्यूएटर यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दो रेक्टेंगुलर वेवगाइड होते हैं, सर्कुलर वेवगाइड होते हैं, इन दोनों को हम ट्रैपर कर देते हैं ट्रांजिशन पॉइंट पे और वो दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट सेक्शन बनाते हैं सर्कुलर वेवगाइड का जो कि
फ्री होते हैं रोटेट करने के लिए. सो मेनली देयर विल बी द टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वन सर्कुलर वेवगाइड, उनके टैपरिंग होगी. इंटरमीडिएट सेक्शन पे सर्कुलर वेवगाइड बनेगा जिसको हम फ्रीली रोटेट करेंगे. तो इस प्रकार के रोटरी टाइप वेरिएबल एट्यूनेटर को हम यहाँ पे एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दिस इज अ फिगर ऑफ द प्रिसीशन टाइप वेरिएबल एट्यूनेटर. सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास में यह एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ये सर्कुलर वेवगाइड है और इन दोनों को हमने इस ट्रांजिशन पॉइंट पे टैपर कर दिया है. ये जो रेजिस्टिव रोटेटरी वेव एट्यूनेटर होता है इसके द्वारा हम प्रिसीजन एट्यूनेशन पैरामीटर को अचीव कर सकते हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट +2 to 1% ऑफ द इंडिकेटेड एट्यूनेशन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रिसीजन टाइप वेरिएबल एट्यूनेटर में हमारे पास में तीन वेन्स होती है. ठीक है, दीज आर दी थ्री वेन्स जिनको मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूं. ये तीनों वेन्स को हम सर्कुलर वेवगाइड के सेंट्रल सेक्शन में प्लेस करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से एंड्स पर टैपर्ड होती है. और हमने क्या करा है, जिनमें दो वेन को तो हमने कहां रखा है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के सेक्शन, क्योंकि देखिए हमारा ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड था, ये सर्कुलर वेवगाइड है. ये तीन वेन्स हैं जिनमें से एक को हमने रखा है सर्कुलर वेवगाइड में और रिमेनिंग टू वेन्स को हमने रखा है रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन में. सो दिस इज द रोटेटिंग सेक्शन ऑफ द सर्कुलर वेवगाइड एंड दीज टू आर टर्म्ड एज द रेजिस्टिव कोर्स. अब हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल रोटरी सेक्शन है सर्कुलर वेवगाइड का, अगर उसमें एक या एक से ज्यादा रेजिस्टिव कॉर्ड है और साथ ही जो तीनों कॉर्ड्स या वैन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अलाइंड है और उनका जो प्लेन है वो 90 डिग्री के एंगल पर मेंटेन है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में जो एट्यूनेशन पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी. मीन्स हमें सिग्नल में किसी भी प्रकार के एट्यूनेशन का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटर कार्ड है हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, व्हेन द सेंटर कार्ड इज मेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में सिग्नल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा और हमें मैक्सिमम एट्यूनेशन यहाँ ऑब्जर्व होगा. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये जो सेंटर रेजिस्टिव कोड है अगर हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से ओरिएंट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, और ये थीटा का ओरिएंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, तो उस केस में जो सिग्नल का एब्जॉर्प्शन इन कोड्स के द्वारा किया जाएगा दैट विल बी प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा. सो देखिए हमने यहाँ पे इनके ओरिएंटेशन को बताया, ये हमारा सेंट्रल कोड है, ये हमारे टू वेन्स थे जिसके रिस्पेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल मेंटेन किया है, मीन्स ई के रिस्पेक्ट में, ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है और इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करा है, उन सेंटर रेजिस्टिव कोड को एक एंगल थीटा से ओरिएंट किया है, तो उस केस में जो हमें यहाँ एट्यूनेशन पैरामीटर देखने को मिलेगा वो साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो द एट्यूनेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस अरेंजमेंट विल बी गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू द -20 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और अल्फा इज इक्वल टू द -40 लॉग ऑफ साइन थीटा. सो इस इक्वेशन से हम क्लियरली यहाँ पर यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एट्यूनेशन है इट इज जस्ट डिपेंडिंग ओनली ऑन द एंगल ऑफ द थीटा. अब हम इस केस में क्या करते हैं कि ग्लास कोटेड पीस को जो कि एक मेटल के फिल्म से बना हुआ है उसको हम एक वन साइड पे रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टिव मटेरियल की वजह, तो जगह पे, कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमने क्या करा है, इस रेजिस्टिव कार्ड की जगह पर अगर हमने एक मेटल की फिल्म को जो कि ग्लास कोटेड है अगर हमने उससे रिप्लेस किया तो हमें और भी एक्यूरेट एट्यूनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है. सो जो हम इस टाइप के वेरिएबल एट्यूनेटर की बात कर रहे हैं उसका मेन एडवांटेज यह है दैट इट इज अ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव एंड इट प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट ऑल्सो. सो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कि माइक्रोवेव और वेवगाइड एट्यूनेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने वेरिएबल एट्यूनेटर और फिक्स एट्यूनेटर को डिस्कस करते हुए
प्रिसीजन टाइप वेरिएबल अटेन्यूएटर की भी बात की है। थैंक यू सो मच।